नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जसमीत आलूवालिया और इस वीडियो में हम बात करेंगे एक थोरैकोस्कोपिक थायमेक्टमी ऑपरेशन के बारे में, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं क्योंकि ये एक लेस कॉमन ऑपरेशन है। थोरैकोस्कोपिक यानी कि दूरबीन से किए जाने वाले चेस्ट की सर्जरीज, जैसे हम पेट के ऑपरेशंस को लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज के नाम से जानते हैं, इसी तरह अगर वही स्कोप और इंस्ट्रूमेंट्स चेस्ट में यूज़ किए जाएं तो हम उसे थोरैकोस्कोपिक ऑपरेशंस के नाम से जानते हैं। यानी कि एक बड़ा चीरा नहीं देना पड़ेगा, बहुत छोटे छोटे कट से ही हम थाइमस, जो एक ग्लैंड है चेस्ट में, उसे रिमूव कर पाएंगे। तो इसे हम थोरैकोस्कोपिक थाइमेक्टमी नाम का ऑपरेशन से जानते हैं। थाइमस एक ग्लैंड है जो हमारी चेस्ट के ऊपरी हिस्से में होता है और इसमें कई सारी कंडीशंस में ऑपरेशन करना पड़ सकता है, जिसमें से एक है मायस्थीनिया ग्रेविस और दूसरी कंडीशंस जैसे कि थाइमस में ट्यूमर होना। सो मायस्थीनिया ग्रेविस एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है और अगर आपके डॉक्टर्स सारी इवेल्यूशन, सभी टेस्ट करने के बाद एडवाइज़ करते हैं कि इस कंडीशन में आपको थाइमस ग्लैंड रिमूव करने से फ़ायदा होगा, देन आप थोरैकोस्कोपिक थाइमेक्टमी को ऑप्ट कर सकते हैं। यानी कि आपके डॉक्टर्स अगर इसमें ऑपरेशन एडवाइस करते हैं तो आप ओपन सर्जरी के बजाय इसमें दूरबीन से ऑपरेशन करवा सकते हैं थोरैकोस्कोपिक थाइमेक्टमी के नाम से। इसके अलावा अगर इस एरिया में कोई ट्यूमर हो गया है तो उसके केस में भी थाइमस रिमूव किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ थोरैकोस्कोपी, यानी बिना चीरे के दूरबीन की मदद से। ये एक कम कॉमन ऑपरेशन होने की वजह से बहुत लोगों को नॉलेज नहीं होती कि मायस्थीनिया ग्रेविस के कंडीशंस में ऐसा पॉसिबल है, इसीलिए हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि इन केस थाइमस ग्लैंड का सर्जरी आपको एडवाइस की गई है तो आप इसे दूरबीन से करवा सकते हैं और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट है। चेस्ट के आसपास बोन होने की वजह से अगर इसमें ओपन ऑपरेशन किया जाता है तो ये हड्डी काट कर चेस्ट को खोल कर उसके अंदर जाना पड़ता है और उसकी रिकवरी इतनी स्मूथ नहीं होती, क्योंकि जब एक हड्डी को ब्रेक कर हम चेस्ट के अंदर जाएंगे तो उसके रिकवर होने में टाइम लगेगा, जबकि दूरबीन के माध्यम से बिना किसी बोन को कट किए हम चेस्ट में एंटर कर सकते हैं। हमारे रिब्स के बीच में थोड़ी थोड़ी स्पेस रहती है तो उसी स्पेस के थ्रू डॉक्टर्स कैमरा और अपने इंस्ट्रूमेंट्स डालकर थाइमस ग्लैंड्स को डिसेक्ट करके और उसे बॉडी से रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा थोरैकोस्कोपिक सर्जरीज में और बहुत सारी सर्जरीज की जाती हैं, जैसे कि फूड पाइप की सर्जरीज, चेस्ट की यानी लंग्स की सर्जरीज और कई सारे ऑर्गन्स जो चेस्ट में पाए गए हैं उनके ऑपरेशन थोरैकोस्कोपिकली की जा सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो देखकर आपको कुछ थोरैकोस्कोपी के बारे में आइडिया हुआ होगा, मायस्थीनिया ग्रेविस के ट्रीटमेंट्स के बारे में आइडिया हुआ होगा, और अगर आप इसके लिए दूरबीन का विकल्प ढूंढ रहे हैं तो आपको आपके आंसर्स मिले होंगे। थैंक यू।